वंदे मातरम। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। प्राइम न्यूज में आज बात महाघोटाले की करेंगे। जी हां, आज पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर यह महाघोटाला है कि जिस तरीके से 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला पीएनबी में हुआ, उस घोटाले ने कई सवाल खड़े कर दिए। आइए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं कि आज प्राइम न्यूज की कवर स्टोरी में किन किन बातों का जिक्र हम करने जा रहे हैं। प्राइम न्यूज की कवर स्टोरी में आज सबसे पहले इस बात से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर ये नीरव मोदी जो रातों रात सुर्खियों में है, लेकिन सुर्खियां बटोरने के पीछे जो वजह है वो अच्छी नहीं है। जो ये सबसे बड़ा घोटालेबाज बना है, ये आखिर इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे घोटाले का घटनाक्रम किस तरीके से था, कैसे कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नीरव मोदी और उनका परिवार इस वक्त कहाँ है, साथ ही साथ क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि नीरव मोदी तक शिकंजा कस जाएगा, पकड़ में आ जाएगा नीरव मोदी। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे प्राइम न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये घोटाला किस तरीके से हुआ और इसके तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और जब इसकी भनक लगी तो किस तरीके से सरगर्मी बढ़ी है और लगातार पंजाब नेशनल बैंक पर भी दबाव बना और उसकी तरफ से भी कार्रवाई सामने आई। घोटाला, ये शब्द ना तो हमारे लिए नया है, ना तो हिंदुस्तान के लिए, और ना ही यहाँ की सियासत के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति बहुत हद तक घोटालों पर निर्भर रही है। अगर देश की राजनीति के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे तो एक बात सब में समान मिलेगी, और वो ये कि कभी अगर कोई सत्ताधारी पार्टी घोटाले में फंसी तो विपक्ष ने मौके का फायदा उठाया और सत्ता हासिल की। 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने वाली यूपीए गवर्नमेंट के सत्ता से बाहर होने का एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी बताया जाता है। खैर, बात देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक पीएनबी में हुए घोटाले की करेंगे। हीरा व्यापारी नीरव मोदी को इस घोटाले का गुरु बताया जा रहा है। बात ये भी सामने आ रही है कि नीरव मोदी, उनकी पत्नी और उनके भाई की ओर से 2011 से फर्जी लेन देन किया जा रहा था। दिलचस्प बात ये है कि नीरव मोदी उनकी पत्नी और उनके भाई को अलग अलग देशों की नागरिकता भी मिली हुई है, और हैरत की बात यह है कि 2011 से हो रहे इस घोटाले का पता बीते गुरुवार को तब चला जब पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी दी। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पंजाब नेशनल बैंक से घोटाले की जो तस्वीर निकल कर आई है, उससे न सिर्फ सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें गहराई है, बल्कि सीबीआई से लेकर वित्त मंत्रालय तक में हड़कंप मचा हुआ है। इस घोटाले के बाद घोटाला मुक्त सरकार का दम भरने वाली सरकार में एक सरकारी बैंक से 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपयों के फर्जी लेन देन की जानकारी सामने आने से न सिर्फ सरकार के दावन पर घोटाले का दाग लगा है, बल्कि इसके कई दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का मौसम चुनावी हो चला है, और ऐसे मौसम में एक छोटी सी गलती सियासत के खेल को बिगाड़ भी सकती है। और यहाँ तो बात एक सरकारी बैंक से 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले की है। प्राइम न्यूज की आज की पेशकश में चर्चा पीएनबी के घोटाले की होगी, और हर्फ दर हर्फ हम पन्ने पलटेंगे, परत दर परत घोटालों की गुत्थी को आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी अगली रिपोर्ट प्राइम डेस्क जनता टीवी। लगातार नीरव मोदी की चर्चाएं हो रही हैं। आपके लिए जानना अब जरूरी हो जाता है कि ये नीरव मोदी नाम का शख्स है कौन, और इसके पीछे का इतिहास किस तरीके से जुड़ा हुआ है, और कितना बड़ा कारोबारी है ये कि 11,400 करोड़ का घोटाला ये कर जाता है शख्स। जानिए नीरव मोदी को। गुरुवार से ही पूरे देश में दो ही शब्द छाए हैं,
पहला पीएनबी घोटाला और दूसरा नीरव मोदी। सवाल यही है कि आखिर कौन है ये नीरव मोदी। नीरव मोदी एक बड़ा डायमंड कारोबारी है और मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखता है। नीरव मोदी फायर स्टार डायमंड और नीरव मोदी डायमंड कंपनी का मालिक है। इन कंपनियों के देश विदेश में कई स्टोर हैं और इनका कारोबार भी अरबों में है। नीरव मोदी 2017 की फोर्ब्स की लिस्ट में 84वां सबसे अमीर भारतीय है। पिछले साल प्रियंका चोपड़ा नीरव मोदी की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। इसके साथ ही कई हॉलीवुड स्टार्स भी नीरव मोदी की कंपनी की ज्वेलरी पहन चुके हैं। केट विंसलेट और डकोरा जॉनसन जैसी हॉलीवुड की टॉप स्टार्स नीरव के ब्रांड के हीरे पहनकर रेड कार्पेट पर रंग बिखेर चुकी हैं। भारत के अलावा नीरव मोदी की रूस, आर्मेनिया और दक्षिण अफ्रीका में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। नीरव मोदी के बुटीक लंदन और सिंगापुर में भी हैं। जी तो ये है नीरव मोदी, जिसके नाम की चर्चा पूरे देश में है और जैसे जैसे आरोपों का सिरा खुल रहा है, जांच एजेंसियों की धरपकड़ भी तेज हो रही है। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। इस महाघोटाले को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय भी हरकत में है और लगातार छापेमारी की जा रही है। और गनीमत ये मनाइए कि आधे से ज्यादा रकम इन छापेमारी के दौरान वसूल कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं संपत्ति के जरिए। देखिए इस रिपोर्ट में। ₹11,400 करोड़ के घोटालेबाज नीरव मोदी रातों रात चर्चा में है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। ईडी ने गुरुवार को लगातार नीरव मोदी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और अभी तक नीरव मोदी की 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इतना ही नहीं, नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा सीबीआई ने मेहुल चौकसे के गीतांजलि ग्रुप के 6 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने इस घोटाले के एक मास्टरमाइंड गोकुलनाथ शेट्टी के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा सीबीआई और सरकार के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक भी एक्शन में दिख रही है। पीएनबी ने अपने 8 कर्मचारियों को निलंबित किया है। अब तक बैंक अपने 18 कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुकी है। निलंबित कर्मचारियों की सूची में जनरल मैनेजर लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। नीरव मोदी के देश से बाहर होने की सूचना पर इंटरपोल को भी अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएनबी घोटाले की जांच की भनक लगते ही नीरव मोदी ने 1 जनवरी को दुबई जाना मुनासिब समझा। नीरव मोदी की पत्नी 6 जनवरी को देश छोड़ चुकी है। उनके पास अमेरिका की नागरिकता है। नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी ने 1 जनवरी को हिंदुस्तान छोड़ दिया था। उनके पास बेल्जियम की नागरिकता है। अब समझना ये है कि इस घोटाले का होना और इनका देश छोड़कर जाना महज संयोग है या सोची समझी साजिश। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। 11,400 करोड़ का घोटाला, इसे महाघोटाले की संज्ञा दी जा रही है क्योंकि इतनी बड़ी रकम इसमें शामिल है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कितना वक्त लगा होगा इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में। सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे घटनाक्रम को जरा समझिए कि कैसे कैसे घोटाले को अंजाम दिया गया और इसके सिरे कहां कहां जुड़े हुए हैं। बहुचर्चित पीएनबी घोटाले को एक बार सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। हीरा कारोबारी 3 कंपनियों डायमंड आरयूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्लेटर डायमंड्स ने पीएनबी से संपर्क किया। नीरव मोदी, उसकी पत्नी और भाई इन कंपनियों में पार्टनर हैं। कंपनियों ने बैंक से विदेशी सप्लायर्स को भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म लोन मांगा। बैंक अधिकारियों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU देने से पहले 100% कैश मार्जिन मांगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की ओर से जारी किया जाता है। इस लेटर के आधार पर बैंक कंपनियों को 90 से 180 दिनों का शॉर्ट टर्म लोन देती है। तीनों फर्मों ने दलील दी कि पहले भी वो ये सुविधा लेती रही हैं। पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दिया। गोकुलनाथ शेट्टी ने अपने दूसरे अफसर मनोज खरात से मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया। पकड़ में आने से बचने के लिए नीरव के नाम की कोई एंट्री नहीं की गई। इसी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक जैसी बैंकों की विदेशी शाखाओं से लोन मिले।
इस घटनाक्रम के बाद सबकी नजर मौजूदा घटनाक्रम पर है, जहां शिकंजा नीरव मोदी पर कसता नजर आ रहा है। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक अहम रिपोर्ट से आपको कराएंगे रूबरू। बने रहिए हमारे साथ। अब अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस बात से रूबरू कराएंगे कि आखिर इस महाघोटाले को लेकर सियासत किस तरीके से गर्म है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि 2011 का ये घोटाला शुरू हुआ, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में ही इस घोटाले की शुरुआत हुई है, हमने तो उजागर किया है, तो गेंद कोई भी अपने पाले में रखने को तैयार नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले ने सबकी नींद उड़ा रखी है। सत्ता पक्ष की नींद घोटाले की वजह से उड़ी है, तो विपक्ष को नींद इस वजह से नहीं आ रही कि सरकार पर वार कैसे किया जाए। दरअसल गुरुवार को देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले से पर्दा उस वक्त उठा जब पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी दी कि उसके मुंबई ब्रांच में करीब 11,400 करोड़ का फर्जी लेन देन हुआ है। दरअसल बैंक को भी इस घोटाले का पता तब चला जब उसके खाते में 280 करोड़ की हेर फेर दिखाई दी। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। जब इस मामले में और पड़ताल की गई तो हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम इस घोटाले में सामने आया। मामला सामने आने के बाद ईडी ने नीरव मोदी के ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई के 4 ठिकानों पर छापे मारे, दिल्ली के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई और सूरत में नीरव मोदी के शोरूम पर भी छापेमारी हुई। घोटाले के सामने आने के बाद कहा यह भी जा रहा है कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 5500 करोड़ रुपए चुकाने की पेशकश की है, बाकी पैसे चुकाने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा है। They said, I want to come back and pay you the amount. I said, welcome. Because anybody, it's a funny... Yes. Not called. They mailed and we said, you come back with the... देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सामने आने के बाद सियासत खूब गरमाई है, क्योंकि बात सरकारी बैंक से घोटाले की थी तो विपक्ष का हमला तो जायज था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला किया तो जुबानी वार भी खूब हुए। लूटो और भाग जाओ, देश का पैसा लूटो और भाग जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का अब चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। 70 साल में देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा बैंक लूट स्कैम, उसका खुलासा पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। अब विपक्ष के सवाल उठाने पर सरकार की ओर से जवाब आना वाजिब था और सरकार की ओर से इसे यूपीए सरकार के दौर का ही घोटाला बताया गया और इस घोटाले को पकड़ने की बात कहकर उल्टा अपनी ही पीठ थपथपाई गई। घोटाला 2011 का, अब आकर के धीरे धीरे पता लगा, मतलब ये सरकार संज्ञान लेकर के हर जगह खोदबीन करके निकाल रही है, लेकिन इन लोगों ने जो घोटाला कर दिया था ये घोटाले की सरकार थी और ऐसे घोटालेबाजों को स्थापित किए थे। कांग्रेस पार्टी की हम पीड़ा समझते हैं। आज जो बार बार आरोप लगाने की बात की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया गया जो एनपीए हुआ है। यह पूरे एनपीए की विरासत कांग्रेस के समय की। बात यह भी सामने आ रही है कि नीरव मोदी बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से ही 2011 से बैंक को चूना लगा रहा था। इस घपले में बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर स्तर तक के अधिकारी शामिल थे। दरअसल मोदी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल के दौरान पहला घोटाला सामने आने के बाद कांग्रेस इस सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती और शायद सरकार इस घोटाले को पचा नहीं पा रही। आप भी देख लीजिए दोनों पार्टियों के दिग्गजों की इस जुबानी जंग को, आप कहानी खुद समझ जाएंगे। छोटा मोदी, नीरव मोदी,
वो नीरव मोदी जी फिर जाते हैं डावोस के बिजनेस डेलीगेशन में प्रधानमंत्री जी के साथ, और उनकी ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ बड़ी रुचिकर पिक्चर है डावोस के बिजनेस डेलीगेशन की, ये भी हम आपको इसके साथ भेज रहे हैं। वैसे तो ये सबसे ताजी फोटो यही है। प्रधानमंत्री जी ऐसे आदमी को क्यों लेकर जा रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने कुछ बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है? इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? वो भारत के प्रधानमंत्री के डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे, और जो हमारी जानकारी में है वो अपने आप डावोस पहुंचे थे, और जो CII की ग्रुप फोटोग्राफ की इवेंट थी उसमें वो आए थे। ना कोई PM से मुलाकात हुई, ना कोई बातचीत हुई। जी, तो इस जुबानी जंग से आप जरूर समझ गए होंगे कि इस घोटाले की तासीर सरकार पर क्या होने वाली है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अगर इस घोटाले के जरिए ही हवा का रुख थोड़ा अपने पक्ष में कर लिया जाए तो शायद कोई नुकसान नहीं है। प्राइम डेस्क जनता की। हमने आज की अपने इस पेशकश में आपको इस महाघोटाले की हर बारीकियों से रूबरू कराया। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।